अल्लाम मे वे गुड मॉर्निंग जागो लाहौर में आप सबको खुश आहमदीद कहते हैं जनाब हस्ती मुस्कुराती और एक खूबसूरत सी और ख़ास तौर पर धुंधली सी सुबह के साथ मैं हूँ उन्हें वास्फ़ इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे खुशबाश होंगे अपना तो हम ख्याल रख ही लेते हैं हर हाल में रख लेते हैं लेकिन अपने साथ साथ अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखना हमारे ऊपर लाजिम ममलूम है और उसके साथ साथ अपने माहौल का भी ख्याल रख ही लेना चाहिए क्योंकि माहौल जिस तरह का होता जा रहा है ना इसमें अपना ख्याल रखना है दूसरों का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता जा रहा है क्योंकि इस माहौल से हम सब लोग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते जा रहे हैं ये माहौल डेंसिटी बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ती जा रही है फॉग की सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है सुबह सवेरे जब आप उठते होंगे अपने काम काज को जाने के लिए तैयार होते होंगे और बाहर जैसे ही आप निकलते होंगे तो जनाब एक धुंधला सारा कहले कि धुंधलाहट सी महसूस होती होगी पूरे का पूरा आपका इलाका जो है ना वो धुंध की लपेट में मौजूद होगा तो ये सिर्फ आपके या हमारे इलाके की सूरत हाल नहीं है ये बल्कि पूरे लाहौर की ही सूरत हाल यही है कि जनाब जो धुंध है उसने अपनी लपेट में ले लिया है लाहौर को मज़ीद भी हम बात करेंगे मौसम के हवाले से लेकिन अभी प्रोग्राम में जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर कोई अच्छी बात हम करते हैं और अच्छी बात के साथ ही अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी करते हैं और अपने दिन का आगाज़ भी करते हैं ताकि आपका भी दिन अच्छा गुजरे और हमारा भी दिन अच्छा गुजरे तो आप लोगों के घरों में भी बड़े बुजुर्ग मौजूद होंगे और वो एक ही नसीहत करते हैं और सब एक ही नसीहत करते हैं कि कम बोलो और सुनो ज़्यादा क्योंकि खामोशी एक बहुत ही बड़ी हमत है और इसमें ऐसी चीज़ें मौजूद मौजूद हैं जो आपको अभी तो पता नहीं चलती हैं लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता जाता है आप उसके बारे में और ज़्यादा जानना शुरू कर देते हैं तो जनाब कहते हैं कि जब भी कोई परेशानी में पड़ता है ना तो अपनी ज़ुबान की वजह से पड़ता है और कानों की वजह से कभी भी कोई भी किसी मुसीबत में या कभी भी किसी परेशानी में मुबला नहीं हुआ है जो सुनने वाला है जो ज़्यादा बोलता है ना वो हमेशा कहले के आ, अपने मुंह ओंदे ज़रूर गिरता है और वैसे भी जो लोग जिन्हें बोलने के बजाय ज़्यादा सुनने की आदत होती है ना वो दूसरों के साथ एक कहने के पायदार ताल्लुक होता है बड़ा मजबूत सा ताल्लुक होता है उनका अपनी ज़िंदगी में बाकी लोगों के साथ और इसके साथ साथ जो कह लें कि जिनको ज़्यादा बोलने की आदत होती है वो इतना ज़्यादा बोल जाते हैं कि हर चीज़ ही दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं हर चीज़ ही जो नहीं बताने वाले भी होते हैं, वो भी भूल जाते हैं और दूसरों की बातें सुन सुन कर जो लोग ज़्यादा सुनते हैं वो दूसरों की बातें सुन सुन कर ना उनकी जो नफसियात है ना वो भी पढ़ना शुरू हो जाती मतलब उनको पता चल जाता है जो ज़्यादा सुनते हैं जो लिसनर्स होते हैं जो गुड लिसनर्स होते हैं एक बैड लिसनर्स हैं एक गुड लिसनर्स हैं इधर अभी मैं बात करी गुड लिसनर्स की वो आपकी पर्सनैलिटी को जानना शुरू हो जाते हैं और उनके करीब हो जाते हैं जबकि ज़्यादा बोलने वाले को सज़ा ये मिलती है कि वो अपने तमाम राजों तक की हिफाजत नहीं कर सकता है और हमारा जो मुआरा है जिसमें हम रह रहे हैं इसका अलमिया ये है कि हम अगले की बात सुनने से पहले उसे जवाब देना चाहते हैं बल्कि मैं तो यूँ कहूँगी कि सुनते ही इसीलिए लिए हैं कि बस सामने खड़े शख्स को हम अच्छे तरीके से और कड़कदार जवाब देकर उसे खामोश करवा सके ताकि हमारे जो इक्विस्टिक हमारी जो सेल्फ है उसको तस्कीन मिल सके इस तरह ना हमें किसी की बात समझ आती है और ना किसी को हमारी बात समझ में आती है ऐसी सूरत में होना ये चाहिए कि जनाब हम 20 फ़ीसद जो है ना वो बात करें मतलब 20 फ़ीसद हम लोग किसी को कुछ बताएं और 80 फ़ीसद सुनने पर गौर करें हमारे यहाँ पे क्या होता है हम सिर्फ दूसरों को बताने के लिए सिर्फ़ बोलने के लिए बताने के लिए बोलते हैं और कोई भी अब किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि कोई गुड लिसनर बन सके मैंने ख़ुद भी ये विटनेस किया है लेकिन खामोशी एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है खामोशी आपको अपनी ज़ात के बारे में बताती है खामोशी आपको अपनी शख्सियत के बारे में बताती है बहुत से ऐसे फ्लॉज होते हैं जिनको पता ही जिनका पता ही तब लगता है जब आप खामोशी से बैठ के अपना अहाता भी कर रहे होते हैं और अपना एहत भी कर रहे होते हैं दूसरों का एहतान तो हम लोग बड़ा इजीली कर लेते हैं और बड़ा इन्जॉय करके करते हैं लेकिन कभी बैठकर खामोशी में तन्हाई में अपना एहतसाब करें और आपको बहुत ज़्यादा ऐसे फ्लॉज नज़र आएंगे अपनी ज़ात के अंदर और ये कोई गलत बात नहीं है कोई बुरी बात भी नहीं है कि अगर आपको अपनी ज़ात के अंदर अपनी अपनी शख्सियत के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आएँ कुछ ऐसी चीज़ें महसूस हों जिनको आप शायद बेहतर कर सकते हैं और बेहतर करके एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो और आपको क्या ही चाहिए इससे बेहतर नहीं है कि कोई और आपको आके आपकी ग़लती आइडेंटिफाई करके बता रहा है तो आप उससे पहले ख़ुद अपनी ज़ात के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार के खामोशी के साथ वक्त गुजार के अपनी जात को परखने की कोशिश करें उसको समझने की कोशिश करें और अपनी ग़लतियाँ जो है उन्हें आइडेंटिफाई करके उनको बेहतर करने की कोशिश करें तो इसलिए कहते हैं ना एक मुहावरा भी है कि पहले तोलो और फिर बोलो हम लोग बोलते हैं हम लोग पहले सम, सोचते नहीं हैं हम तोलते नहीं हैं तोलने का मतलब होता है कि पहले समझो अपनी बात को कि पहले दिमाग में समझो और सोचो कि क्या ये बात कहने वाली है क्या जो अलफाजों का चुनाव मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्या वो सही है या नहीं है तो पहले तो लो फिर बोलो ये हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे हमारे घर भी यही होता था कि जनाब रैपिडली जो बोल देते हैं हम लोग फटाफट बोल देते हैं जल्दबाजी में बोल देते हैं वो हमेशा जल्दी का काम शैतान का काम होता है तो ये आप लोगों ने भी ज़रूर विटनेस किया होगा तो इसलिए कम बोलें और ज़्यादा सुनने की आदत अपनी ज़िंदगी में अपनाएं लोगों की भी सुन लिया करें सिर्फ अपनी ना सुनाते रहा करें लोगों की भी सुन लिया करें ताकि उनके अंदर से भी कथारसेज हो वो भी रिलैक्स महसूस करें सिर्फ आपका हक नहीं है बाकी जो आपसे जुड़े लोग हैं उनका भी हक है कि वो भी आप आपसे बात कर सके कुछ शेयर कर सके तो इसलिए हमेशा यही आप लोगों ने एक मोटो रखना है कि कम बोलें और ज़्यादा सुने तो इसी चीज़ के साथ हम भी अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं मैं भी थोड़ा सा कम बोलने की कोशिश करती हूँ लेकिन मेरी जॉब ऐसी है कि मैं नहीं बोल सकती मुझे ज़्यादा इंटरक्ट करना है तो जनाब अभी आगे बढ़ते है। रोटी कपड़ा और मकान की बात हो रही है तो कहीं बेहतर मुस्कबिल के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कहीं हेल्थ कार्ड के देने की बातें हो रही है और यकीन इलेक्शन के बाद सबकी कोशिश यही होगी कि मुल्क में सड़कों का एक जाल फिर से बिछाया जा सके लेकिन किसी को भी इस हवाले से फ़िक्र नहीं है कि हमारे बच्चों के लिए हमारा तालीमी निज़ाम और इसका कैसा होगा यानी तालीम किसी के लिए भी अहम नहीं है और ना आने वाली किसी भी जमात ने तालीम के मुतालिक कोई एजेंडा पेश किया और ना ही ऐसा कुछ और प्लान दिया है तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि क्या तालीम हमारी तरजीहत में शामिल ही नहीं है या हम जान बूझ कर ऐसा ठेते हैं अपनी मुस्तबिल के जवानों के ऊपर या हमारी जो यूथ है उसके साथ जान बूझ के हम ये जुल्म कर रहे हैं कि शायद वो इंडिपेंडेंट ही ना हो सके तो आज हम इस पर बात करेंगे कि एक तो हमारा तलीमी निज़ाम है जो पिछले कई दहाइयों से कई सालों से एक जैसा ही है उसमें कोई तब्दीली हल्की सी भी कह कह लेना कि कोई तब्दीली नहीं देखने को है. तो अब जो है सियासी मैदान भी सरगर्म हो चुका है इलेक्शन की बास गुंज है हर तरफ है तो क्या इलेक्शंस के दौरान कोई ऐसा एजेंडा हमारे सामने आएगा या नहीं आएगा क्या ताली निज़ाम बेहतर हो सकेगा नहीं हो सकेगा इस पर बात कर लेते हैं रज़ा रहमान साहब माहिर तालीम हमारे साथ इन स्टूडियो में मौजूद हैं रजा साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में कैसे हैं आप जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि ये आजकल है ना एक तो बच्चे चले छुट्टियों पर गए हुए मौजे कर रहे हैं लेकिन अब जो बड़े लोग हैं उन लोगों ने तो सोचना है ऑब्वियसली अब सारी जितनी भी सियासी जमाते हैं आपको पता है इलेक्शन की भाग में मसरूफ हैं और उस मसू रूफियत में डोर टू तो डोर कैंपेनिंग भी होगी इलेक्शन कैंपेनिंग जा जाके एक अपना एजेंडा दिया जाएगा अपना प्लान बताया जाएगा कि भाई हम जीतेंगे हम हम आएंगे इकतदार में तो हम आपके लिए ये करेंगे ये करेंगे लेकिन मैंने जहाँ तक सारी कैंपेन देखी है यह सब का एजेंडा सुना है कहीं पर भी तालीमी निज़ाम के हवाले से कोई एजेंडा सामने नहीं आया कोई प्लान किसी ने भी नहीं बताया या कोई थोड़ी सी भी रोशनी नहीं डाली कि हाँ हमारे तालीमी निज़ाम बेहतर करने की जरूरत है और अगर हम आएंगे अपने इकतदार में तो हम तालीमी निज़ाम को बेहतर करेंगे आपने कुछ सुना है ऐसा नहीं वेरी वेल सेड आपने बड़ी अच्छी बात की है और आपने बिल्कुल एग्जैक्टली exactly वही बात की है जो मेरे भी जहन में है या मुझे लगता है कि सुनने वाले के लोगों को भी ये बात का अंदाजा होगा कि आजकल जितने भी ये हमारे सियासतदान हैं वोट के लिए इन्होंने तालीम को तरजीह नहीं दी बल्कि मैं आपकी इस बात से मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि मुझे भी अगर कोई वोट मांगना है तो उसे पहला सवाल ये करना चाहिए कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है एग्जैक्टली exactly. जहाँ आपका पढ़ता है वहीं मेरे वहीं बच्चे को डाल पढ़ना चाहिए। और वहीं अगर आपका बच्चा अच्छे आपका बच्चा भी दरम्याणा स्कूल में पढ़ता है तो मैं भी अपने दरमिया स्कूल में पढ़ाने को तैयार हूँ मेरे और आपके राइट्स बराबर हैं तमाम वाले को भी ये बात पता होनी चाहिए हर वोटर को ये बात पता होनी चाहिए कि आप तालीम के बारे में आने वाले जो भी उम्मीदवार हैं उनसे सवाल ज़रूर करें देखें अगर हम पिछली हुकूमत की कारदगी को कर डिस्कस करें ना तो आंसू भी आते हैं अफसोस भी होता है और दिल भी उसके ऊपर दुखा होता बेश्च। है कि देखें कितने बुरे तरीके से एजुकेशन को पिछले चार साल में या पांच साल में क्रश किया गया या उसके लिए ऐसी ग्राउंड तैयार की गई कि लोगों को सिर्फ बातों में लगा के बेवकूफ बनाना या आप कोई और इस तरह का अल्फाज मैं तो कहूंगी कि महंगाई के झमेले में डाल के तालीमी निज़ाम से पीछे कर दिया गया है देखें ये भी बिल्कुल सही बात है कि महंगाई की हमें एक ऐसी प्रॉब्लम डाल दी गई है कि हम ज़्यादातर वक्त अपना उस चीज़ को मैनेज करने में सोचते हैं, हैं कि भी हम, भी 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 हम अपने घर का बजट कैसे मैनेज करें अपने बिज़नेस को कैसे मैनेज करें बिज़नेस की प्रॉब्लम्स का सलूशन कैसे निकालें और वो जो वक्त हमने अपने बच्चों को देना होता है बच्चों की तालीम पे सर्व करना होता है या बच्चों को उस तरफ लगाना होता है वो हमारा जहन से लोगों के जहन से वो चीज़ हट जाती है और इसमें यह बात भी जरूर जहन में रखें कि देखें जो हमारे यहाँ बहुत बड़ा तबका है जो एक गुर्बत की लकीर से नीचे, नीचे है, है एक अंदाजे के मुताबिक नौ करोड़ लोग हैं हाँ। अब वो नौ करोड़ लोग पहले खाना खाएंगे अपने घर का अखराज पूरे करेंगे कि बच्चों को पढ़ाएंगे ये बात सोचना और समझना बहुत जरूरी है हमेशा डाटा दे दिया जाता है स्टेटिस्टिक डिपार्टमेंट से कि जी दो करोड़ अस्सी लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल है हर साल बढ़ता है कभी कम नहीं हुआ आप करते क्या हैं सतानवे अरब रुपया लास्ट ईयर का बजट था आउटपुट क्या है हमें ये बता दीजिए एक लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने आपसे ये कहा था वो आई थिंक वो फ्रेजर साहब थे जिन्होंने वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने रिपोर्ट भी दी थी उसमें भी मेरी ये गुजारिश थी कि हमें आउटपुट बताया करें कि हमने एक साल काम किया और उसकी आउटपुट ये थी पहले दो करोड़ अस्सी लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे इस दफा हमने चालीस लाख बच्चों को स्कूल में एडजस्ट कर लिया है दो करोड़ चालीस लाख रह गए हैं ताकि हमें पता लगे कि आपने जो ये नाइन्टी सेवन अरब रुपया है ये बच्चों की फलाह पे उनकी तालीम पे खर्च किया है तो वास्तव को या आम माशरे के तमाम लोगों को इन तमाम चीजों पे नजर रखना उसको उसको देना और जो लोग उसके जिम्मेदार हैं चाहे वो हैं हैं है, उनसे ये सवाल करना बहुत जरूरी है इलेक्शन आ रहे हैं इसका भरपूर फायदा ये उठाना चाहिए यारे कि इनसे ये सवाल करना चाहिए कि आपके बच्चे पढ़ते कहाँ बिल्कुल ऐसे ही जहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं वहीं मेरे बच्चे को डाल लेकिन लेकिन मैंने तो जितना भी देखा है जितने भी हमारे लीडर्स हैं जितनी भी सियासी जमातों के लोग हैं उनके सारे उनके बच्चे पाकिस्तान में तो पढ़ते नहीं है कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़ा है कोई कैम्ब्रिज में पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है पाकिस्तान में तो कहीं नहीं मैंने देखा अगर उनके पाकिस्तान में बच्चे पढ़े होते तो शायद हमारे बच्चों का भी जो हैं मैार है वो बेहतर होता जी मुनीबा आज से कोई पाँच छह साल पहले मैंने एक ये फार्मूला दिया था कि है? अगर आप गवर्नमेंट स्कूल ठीक करना चाहते हैं है? तो सबसे पहले गवर्नमेंट अफसरान के बच्चों को यहाँ पे एडमिट करा दें यहाँ पे एम के बच्चे भी जाना शुरू कर दें तो हमारा निज़ाम ठीक होना शुरू हो जाएगा उसके बाद मैंने सुना कि बेशुमार लोगों ने इस को समझा और यही बात की जब सब लोग ये बात समझ रहे हैं तो आप एम को समझ क्यों नहीं आती आप एम एन एस को समझ क्यों नहीं आती गवर्नमेंट अफसरान को क्यों नहीं समझ नहीं आती वो कान बंद कर लेते हैं आवाज नहीं आ रही वो, हमारे लिए तो फायदे की बात नहीं जी जी हमारे लिए तो साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी है कैनेडा में वहां हम बच्चों को भेजेंगे हम तो यूके में भेजेंगे हम तो स्टैमफोर्ड में भेजेंगे और आपको सुनने को मिलता भी है कि हमारे माशा बड़े बड़े अफसरान के बच्चे बाहर से ग्रेजुएशन करके आ, आ रहे हैं और उसके बाद कहते हैं जी पाकिस्तान तो आ गए हैं सर्व करने के लिए वो अपनी एक पूरी करियर ऑप्ट करके वापस आ रहे हैं और हमारे यहाँ के पाकिस्तान के बच्चे उनका करियर है क्या वो बेचारे दस दस बारह बारह साल के सात सात साल के बच्चे जो है ना वो चाइल्ड लेबर पे लगे हुए होते हैं जी, जी। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा आलमिया है कि हमारे यहाँ जो घर के अखराज पूरे करना जिस फर्द के ऊपर भी मुनसर होता है वो बाज़का नहीं कर पाता या हमारी महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि घर का बजट मैनेज करने के लिए एक बंदे की कमाई बहुत कम है दो तीन लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ता है और जो बेस्ट चॉइस मिलती है वो बाद में उनको अपने बच्चे मिलते हैं कि चलें ये पाँच सौ हज़ार या दो सौ रुपया डेली का अगर कमाना शुरू कर देंगे तो उससे हमारे घर के बजट में हेल्प मिल जाएगी तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है और देखें ये अगर सारी चीज़ों को समप करना अभी आपने कुछ देर पहले एक बात की थी कि हम माशियात के ऊपर बात करते हैं हम माशियात को बार बार डिस्कस करते हैं लेकिन हम एजुकेशन को नहीं करते तो मैं सुनने वालों अर्ज करना चाहता हूँ जो हमारे बड़े हैं जो सरबराहान हैं कि माशियात का इलाज भी तालीम है अच्छा माशियात भी तालीम से ठीक होगी अगर आप अपने माशी मसायल ठीक करना चाहते हैं तो अपनी तालीम को ठीक करें जब आपकी तालीम ठीक होगी तो यही अर्निंग करना शुरू करेंगे और माशियात को बैलेंस करेंगे करेंगे कोई दुनिया की कोई भी मुल्क को देख लें आप किसी भी कंट्री में देख लें वहाँ पे तालीम पे फोकस करने की वजूहत में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो वहाँ की माशियात होती है कि अगर वहाँ के हमारे बच्चे हमारे सिटीजन पढ़ना शुरू कर देंगे और वो वेल एजुकेटेड हो जाएंगे तो वो हमारे लिए इसबाब पैदा करना शुरू कर देंगे अपने मुल्क के लिए इसबा पैदा करना शुरू कर देंगे चाहे वो बाहर से आमदन आने के आ, मद है, में है या यहाँ से कुछ बना के बाहर भेजने की मद में है तो वो जिस तरह का भी आप उसको इमेजिन कर लें मेरा ख्याल है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो तालीम से निकलती हैं ये पिछला एक डेढ़ साल से मैंने कोई पाँच हज़ार प्रोग्राम तो ज़रूर हाँ मेरी नज़र से गुजरे हैं जो माशियात पे हुए हैं अब उन माशियात के किसी प्रोग्राम में बड़े बड़े लोग आते रहे माहिर माशियात आते रहे पाकिस्तान के तो क्या पूरी दुनिया से आते रहे दुबई से भी आते रहे और बहुत सारे वो मालिक से आते रहे लेकिन किसी साहब ने भी ये नहीं कहा कि हम तालीम को अगर प्रूफ करने तो हम अपने माशिय्यात को <laughs> बेहतर कर सकते हैं वो लोग कहते हैं जी है। आईएमएफ के पास ना जाएं आप ये ना करें आप वो ना करें लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि तालीम बेहतर कर लें आप

चाहे जरात है माशियात है स्कूल है तालीम है ये सब मसाइल सब लोगों के नोटिस में है आप वर्ल्ड बैंक हैं, वर्ल्ड बैंक का मतलब है पूरी दुनिया का बैंक है और, और वहाँ पे वर्ल्ड बैंक में वर्ल्ड ब्रेन बैठे हुए हैं पूरी दुनिया से आए हुए ब्रेन बैठे हुए हैं आप और आप वो बातें कर रहे हैं जो मैं आम सा यहाँ पे एक छोटी मोटी गली मोहल्ले में रहने वाला बंदा आपको बातें बता रहा हूँ तो बरा करम हम, हमें वो बातें बताएं जो हमारा नुस्खा की जिससे हमारे, हमारे यहाँ मुल्क में फायदा हो इन लोगों को सजाएं हो इनको पता हो कि हमने कोई काम नहीं किया तो उसका हमें जवाब देना पड़ेगा और जवाब भी ऐसा देना पड़ेगा कि वो याद रखा जाए देखिए पिछले जो टेन्योर गुजरा है मैं बाजार कल भी एक साहब मुझसे बात अच्छा। कर रहे थे कि इंसाफ अकेडमी कहाँ गई मैं हैरान रह गया मैंने कहा हाँ मेरे भी से निकल गया था उस पर मेरा ख्याल है कोई 25 से तीस करोड़ रुपया लग गया था, लग गया उस सॉफ्टवेयर exactly. को डेवलप करने hmm. के लिए वो कहाँ गए पैसे वो लोगों को कहाँ उसका बेनिफिट मिला hmm. कौन पूछेगा उनको कौन उनसे सवाल करेगा ना अदालतें सवाल करने को तैयार हैं, ना कोई अफसर तैयार है ना कोई मेरी तरह का बंदा तैयार है मुझे तो वैसे ही धमका दें डरा hmm. दें गोली hmm. मार दें क्या पता लगे ना कोई और इस तरह के लोग इसमें आगे आगे उनसे पूछ सकते हैं और वो उनके लिए ये इजी मनी है लोगों का पैसा है उसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, करें जैसे मर्जी उसको जाया करें उन्हें क्या इस चीज से लगे किसी को फायदा होता है हो नहीं होता ना, ना हो।, हो हमें तो अपना नाम चाहिए नाम मिल गया है और हम जे जे कार करा ली हमने चार कोई एहत कर करने वाला नहीं है कि उस, वो वाले पैसे जो इतनी बड़ी रकम है वो कहाँ गई है इंसाफ आफ्टरनून एकेडमी के नाम पर तो मेरे ख्याल से इसका एहत भी होना चाहिए और इनके ऊपर जितनी बात होनी चाहिए तभी लोगों के इल्म में जाएगा शौर में जाएगा कि भाई हमने इसके बारे में बात करनी है जब हमारे पास वोट लेने आए इंसाफ अकेडमी जब नाम रखा गया था आपके प्रोग्राम में बात नाम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो एक, ये फिर एक पार्टी के एक पार्टी साथ मंसूब कर दी जाएगी अब हाँ। ये बात क्या उनको मालूम नहीं थी कि कोई और हुकूमत आएगी तो इस नाम थी? को खत्म कर देगी सब कुछ मालूम हाँ। था लेकिन ये सब कुछ क्योंकि प्री प्लान होता है जानबूझ के रखा जाता है नाम ताकि अगली हुकूमत आए इस प्रोजेक्ट को बंद करे और हमारे जो वो पच्चीस तीस चालीस करोड़ रुपए है वो कहीं साइड पे चुप जाए ये टेक्निक्स है इनकी ये टेक्निक्स मैंने अब आके मेरा ख्याल है कोई एक साल हुआ है मुझे समझ आनी शुरू हुई है कि इनके तरीका वारदात होता क्या है okay. जान बूझ के इस तरह किया जाता अच्छा। है कि हम उसका नाम अपनी पार्टी के नाम पे या अपने जाती नाम पे रख दें और बाद में दूसरा जो आए हुकूमत आए वो आगे उस नाम को के नहीं तलाफ नहीं, करते हैं उसको चेंज हाँ। करेंगे हम जब वो चेंज करेंगे तो वो प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा mm. जब जाए वो प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा तो उससे जो पैसा आया जहाँ गया वो बात खत्म हो जाएगी mm. हम लोग अपने तौर पर ही कुछ मेहनत करके अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़ सकते हैं तो बढ़ जाना चाहिए वरना मेरा नहीं ख्याल कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो हमारे लिए सोच भी रहे हैं या तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के हवाले से सोच रहे हैं रजा रहमान साहब माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद थे रजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं मिलते हैं इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू जागुलर जनाब आज हमने बात करनी है डायमेंशिया के हवाले से अब हमारा जो दिमाग है ना वो तक़रीबन हर उस चीज़ को कंट्रोल करता है जो हम सोचते हैं महसूस करते हैं या कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी करते हैं दिमाग हमारी उन यादों को और यहाँ तक कि हमारी सोचों को भी हमारे लिए महफूज कर लेता है सेव कर लेता है और फिर ज़रूरत पड़ने पर ये सब कुछ रिकॉल भी करवा देता है और बाज़ बीमारियाँ किसी शख्स के दिमाग को दुरुस्त तौर पर काम करने से रोक देती हैं जब किसी शख्स को उनमें से कोई बीमारी हो जाती है तो फिर उसे याद रखने सोचने और बोल चाल में मसाइल पेश आने लग जाते हैं और ऐसे अफराद कुछ ऐसी बातें भी कहने लगते हैं या फिर अचानक ऐसे काम करने लगते हैं जो दूसरों को तो अजीब लगते हैं और यही नहीं उन्हें अपनी जो डेली के मामलात हैं ना उनमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आने लगती है और ये भी मुमकिन है कि वो अपनी इन हरकत से आ, अब वो वैसे लगे ही ना जैसे पहले एक नॉर्मल इंसान बिहेव किया करता था डॉक्टर्स इन तमाम मुख्तलिफ़ मसाइल को बयान करते हुए इसे डायमेंशिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अब डायमेंशिया में जो मुब्तला ज़्यादातर अफराद हैं उनको अल्ज़मर का मर्ज यहाँ पर वेस्क्युलर डायमेंशिया लाक हो जाता है तहम इसकी भी दीगर इकसाम मौजूद है मसला बहुत से लोगों को आपने देखा होगा हमारे घरों में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं कि वो कहीं ना कहीं कोई चीज़ रख कर भूल जाते हैं जैसे मसला चाबियाँ रख कर भूल जाते हैं लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता कि कहीं पर भी वो डायमेंशिया का ही शिकार क्यों ना हो या फिर समझ लें कि थोड़ी थोड़ी देर बाद वो एक ही जैसे सवाल बार बार पूछते हैं या फिर फ़ौर ही उदास हो जाते हैं मामूली सी किसी बात पर चिड़ जाते हैं ये सारी ना डायमेंशिया की अलामात आहिस्ता आहिस्ता अगर ख़राब होती जाएं और हमारी रोज़मर की रूटीन ख़राब होने शुरू हो जाती है तो आज हम इसी वाले से बात करेंगे कि डायमेंशिया अगर किसी इंसान को हो जाता है तो कौन कौन सी ऐसी गज़ाएँ हैं जो इस सूरत हाल से हमें बचा सकती हैं जहनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी डाइट हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है और इसके साथ साथ कीटो डाइट पर भी बात करेंगे क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि हम जल्द अज जल्द जो है ना अपना वेट कम करें हम पतले हो जाएं हम स्मार्ट नजर आए हेल्दी नजर आए मतलब जो लोग जिन लोगों ने वेट बहुत ज्यादा गेन किया होता है क्योंकि ये सर्दी का मौसम भी और सर्दियों में भी हमारा हमारी कोशिश ज़्यादातर हमारे खाने पर ही होती है कि हम जितना ज़्यादा खा सकें और जितनी ज़्यादा हमारी सर्दियों के सौगात है उनका इनटेक कर सकें लेकिन जैसे ही सर्दियाँ कम होती हैं तो हमें पता चलता है जनाब अब तो हमारा वेट बहुत ज्यादा गेन हो चुका है तो उसमें मुख्तलिफ का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कीटो डाइट फर्स्ट नंबर पर आती है कि हमने अगर रैपिडली uh, अपना वेट लॉस करना है तो उसमें कीटो डाइट का अमल दखल बहुत ज़्यादा है लेकिन क्या ये रिकमेंडेड है क्या ये करनी चाहिए अगर करनी है तो किस तरह करनी चाहिए इस पर भी बात करेंगे तो आज हमारे पास दो टॉपिक्स हैं जिस पर हमने बात करनी है कीटो डाइट पर दूसरा डायमेंशिया के लोगों को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर समरा साबिर हमारे साथ मौजूद है क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशन है डॉक्टर समरा आपको वेलकम कहती हूँ आपकी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर संबरा डायमेंशिया पे अगर बात कर ली जाए तो बहुत से लोग हैं मतलब जिनको भूलने की बीमारी हो जाती है जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, है तो वो कोई ना कोई चीज रख के भूल जाते हैं या बार-बार एक ही चीज को रिपीटेडली बोलते हैं सवाल पूछते हैं तो अगर ये इनिशियल स्टेज पर है तो क्या हम अपने डाइट के थ्रू इसको बेहतर कर सकते हैं जी ठीक है डिमेंशिया पहले तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस मे बी अ लॉन्ग टर्म भी हो सकता है इसकी टाइप्स होती हैं देखिए एक तो आ, एज के अकॉर्डिंग है कि जैसे जैसे ओल्ड एज आ रही है तो ये इस तरह होता है और एक हमारी एज जो ग्रोइंग एज होती है या जो यंग एज होती हाँ। है बच्चों में भी इवन ये अच्छा। होता है इसकी मैं बताऊंगी ये टाइप्स हैं कुछ ना ओल्ड एज में तो ये है ना कि चलो जैसे जैसे हमारी एज उनकी एज आ रही है तो वो जो ब्रेन है वो पुअर फंक्शनिंग उनकी हो रही होती है तीनों में बच्चों में जवान में और बूढ़ों में एक चीज़ कॉमन है कि एक वजह यह है कि आपकी डाइट बहुत पुअर है जब बच्चों को बचपन से ही वो सही वहीज़ाएँ नहीं मिल रही जो उनको उनकी बॉडी को उसकी ज़रूरत है उनकी नरिशमेंट के लिए जब वो चीज़ नहीं मिल रही तो वो सारी बात है ब्रेन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है जब उसी को प्रॉपरली डाइट नहीं मिलेगी तो बच्चा ग्रो कैसे करेगा जब उसके ब्रेन ही प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो यंग एज में भी ऐसी है यूनिवर्सिटी गोइंग स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो हमारी एज के होते हैं जो जो होते हैं कि जब उनकी भी डाइट वो अपने काम में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि वो अपनी डाइट लेने का लेने को का टाइम ही नहीं होता नहीं और ओल्ड एज में ये होता है कि आपने बचपन से चीज को साथ लेके आ रहे होते हो तो आपकी डाइट पुअर होती है और एक फिर जाहिर बात है फिर एज का भी कोई तकाजा होता है तो इसमें एक और चीज बहुत एक तो ये चीज कॉमन होगी आपकी पुअर डाइट तीनों एजेस में और एक होता है स्ट्रेस और डिप्रेशन जब आप अपने ब्रेन को रिलैक्स मोड में लेके नहीं आ रहे हो डेफिनेटली अच्छा। एक टाइम लिमिट पे एक स्टेज पे जाके आपको मेमरी लॉस होना स्टार्ट होगा जब आपका ब्रेन आपकी नर्व्स आपकी वैसे वो प्रॉपर उसको आप स्ट्रेस इतना दे रहे हो उसका प्रलैक्स ही नहीं कर रहे हो बिला वजह की टेंशन या आपको अपने कोई पास्ट की बात या कि फ्यूचर का है कि भाई ये करेंगे वो करेंगे इन चीज़ों को ले इस चीज़ को रिड्यूस करें ठीक है एक वैसे ही ये बड़ा वास्ट टॉपिक बना हुआ है एनजाइटी डिप्रेशन ये भी डिमेंशिया की एक मेजर रीजन है ठीक है और बाकी अगर हम इसकी डाइट के ऊपर बात करें तो तीनों टाइप्स में डाइट भी इक्वल ही होती है कि आपने ओमेगास का इस्तेमाल करना होता है ओमेगा सोर्सेज आपको पता है कि सीड्स हैं हमारे पास हर तरह की सीड्स हैं सनफ्लावर सीड्स हैं चिया सीड्स हैं फ्लैक्स सीड्स हैं और जितने भी सीड्स हैं अच्छा उनको इस्तेमाल अगर करने की मैं दो तीन रेसिपीज़ कोई तरीके बता जी देती हूँ कि या तो आप उसको अपनी मैं अक्सर ये बात कह रही होती हूँ अपनी वीडियोस में हर जगह पर जाके कि सीड्स को इस्तेमाल करने का बेस्ट तरीक़ा है कि घर वाले आटे में मिक्स कर लें अच्छा जो हम रोटी जिस रोटी खा रहे हो अगर बच्चे देख के उस चीज को ना खाएं तो उसको पाउडर बना ले रोटी अपने उसके अंदर पूरी आटे के अंदर डाल, डाल दें, दें किसी को बीमारी है नहीं है ओवरऑल हेल्थ के लिए ब्रेन फंक्शनिंग के लिए इतना जरूरी अच्छा। है कि बच्चे को शुरू से और बुढ़ापे तक आप वही उस चीज में वाजी आड़ी आड़ी ये तो एक मेरे ये से दो चीजों में हो एक होता है चकी और उसकी आदत नहीं रही में भी वो सीड्स एड कर लो मो ना कुछ कुछ तो बेहतर है ना कुछ होने के बराबर जो होके उसमे ये है की आप अपने फ्लोर में एड करो बेहतरीन है फ्लैक्स सीड्स मेरी तो रोटी उसके बगैर नहीं होती फ्लेक्स सीड फ्लेक्स सीड जिसको अलसी हाँ। के अलसी की कहते हैं और आजकल वैसे भी बहुत ज्यादा वो हाँ। चल रही है तो आप अपनी पूरे अगर सब नहीं खा रहे किसी को इस चीज से कोई इशू आ रहा है हाँ। तो वो अपनी पर्सनली पेड़ के अंदर डाल ले ठीक है।, है और ये बेहतरीन तरीका है दूसरा ये है कि आप जो है आपने सैलेड के ऊपर स्प्रिंकल कर लें ये सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बात क्लियर करती चलूँ कि ठंडा गर्म का कोई नहीं है, नहीं है, है। ये हमारी ही है तो no आप एक खाओ आपको है। देगी, है। दूसरा ये कि को स्प्रिंकल फॉर्म में ही हर चीज में लेके चलना है और इसके अलावा आपने कुछ सालन खा रहे हो चावल खा रहे हो मैं तो अक्सर अपने चावल भी बॉईल करूं तो मैं तीन चार किस्म के जो होते हैं ना सीड्स बॉईल करने के बाद ऊपर से स्प्रिंकल करना कि अगर मैंने वो चावलों के ऊपर मीठा डाल के भी खाना है तो मेरी न्यूट्रिशन पूरी हो जाती है और अगर मैंने नमकीन खाना है मतलब बॉईल किसी दाल वगैरह के साथ तभी मेरी हो जाती है बॉईल चावल तो मेरे सीड्स के बगैर नहीं होते अच्छा और ये दो तीन तरीके होते हैं कि आप डेली बेस पे इस्तेमाल अच्छा तो सीड्स के अलावा क्या खा सकते हैं सीड्स के अलावा है कि की का रिसोर्स है बाकी आपने ये है कि अपने ऑयल को थोड़ी देर के लिए चेंज कर लो अगर आप डिमेंशिया फेस में हो ना तो आप कोकोनट ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस चीज़ की तरफ ऑलिंग क्योंकि जैसे ही आप जो कह लो कि लोकल हमारे ये घी हैं या ऑयल्स हैं इनसे आप बच जाएंगे अच्छा। जब इनका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर ओवरऑल एक तो ब्रेन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा होगा एक अपन बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को भी डिस्टर्ब कर लोगे तो इस कंडीशन में आपका ऑयल अच्छा होना बहुत जरूरी होता है।, है बाकी और कोई लिमिट नहीं है फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं प्रोटीन का अच्छा सोर्स इस्तेमाल करें कि फिश uh, आजकल है ठीक हाँ। है तो वो बहुत अच्छी है ब्रेन फंक्शनिंग के लिए वो भी मेगा का ही सोर्स है तो वो खाए और इसके अलावा ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल अच्छा, करें साग पालक अच्छा। से बहुत ज्यादा हट चुके हैं नहीं खाते आजकल जो हर फैमिली में बन रहा है ना तो बच्चे कहते रोज रोज हैं हाँ। तो इसके बहुत ज्यादा फायदे फायदे लेकिन होते उसके हैं। कितने हैं आप ये तो देखे exactly. की हमारे पहले जो बड़े बुजुर्ग थे वो इतने स्ट्रॉ थे वो इतना अच्छी उनकी फिजीक और वो मेंटल हेल्थ भी उनकी इतनी अच्छी थी बिकॉज वो अच्छी गजा से खाते थे हम लोग नहीं खा रहे हैं इस वजह से हम लोग कह ले कि अभी भी पिछले उनसे भी हम लोग हो जाते हैं हमारे हाँ, हमारी माए काम कर रही होती है हम हम कहते हैं कि हाई बस हाँ, हो रही है हमारी

करते हैं कि कीटोडाइट क्या है कैसे इसको लेते हैं अगर लेना ही है तो और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और एट दी एंड मैं आपको इस सब का वो बात बताऊंगी जो कि आप मेरी जो पहली सारी बातें होंगी ना आप जरा सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाई ये क्या किए हैं ठीक है बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं बात करूंगी इसमें ये पहले सबसे पहले मैं बताती चलूँ के लिए नहीं है अच्छा फिर कीटो डाइट डिज़ाइन हुई थी एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए ओके okay. ठीक है ये डिज़ाइन ही एपिलेप्सी के लिए हुई थी और उसके बाद देखा गया कि भाई इसका वेट लॉस पे बड़ा अच्छा कंसेप्ट है रैपिड वेट लॉस कर रहा है तो ये ट्रेंडिंग में पास्ट फ्यू से हो गया कि भाई फॉर वेट लॉस फॉर वेट लॉस फॉर वेट लॉस अगर हम देखा जाए तो अगर कोई रैपिड वेट लॉस करना चाहता है या कोई बींग न्यूट्रिशनिस्ट मैं ये तब रेकमेंड करती हूँ जब कोई पेशेंट टोटली बेड रिडन है अच्छा ठीक है वो उठ ही नहीं पा रहा है अपने मोटापे की वजह से तब हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं बचती वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है उसको खुराक की नाली लगी हुई है एनजी फीड पे तो हमारे पास कुछ और ऑप्शन नहीं बचती ठीक है अदरवाइज आप मैं ये जो बिल्कुल हेल्दी पर्सन हैं या कोई एक दो बीमारियों से उनके लिए तो ये चलो एट द एंड इसको कंक्लूड करेंगे कि कर ये क्या है अब हम बात करते हैं कि कीटोडाइट होती क्या है hmm. ये बेसिकली जो है ना एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए थी फिर इसका रिजल्ट देखा गया वेट लॉस पे तो फिर ये वेट लॉस पे ट्रेंडिंग पे आ गई तो अब ये है जी इसके अंदर ये तीन चार टाइप्स की कीटोडाइट है बट हमारे एशियन कंट्रीज में इसको लिया जाता है इसकी एक ही टाइप को इस्तेमाल होती है जिसमें आप फैट फुल हाई कर देते हो प्रोटीन hmm. मॉडरेट कर देते हो ना ज़्यादा ना कम और कार्ब्स को एलिमिनेट कर देते हो ठीक है अब इसके अंदर जो है अगर हम डाइट प्लान की बात करें मैं थोड़ा थोड़ा थोड़ इसका डाइट प्लान भी बता देती हूँ कि अगर किसी ने ये फॉलो करना है करना है तो, तो ये डाइट तो प्लान है? है और इसके बाद बताऊंगी कि ये आप कितनी देर करो ठीक है और इसके अंदर आपने क्या कौन से फूड अलाउ हैं कौन से नॉट uh, अलाउड है ठीक है अभी जर्नल से डाइट प्लान मैं बताने जा रही हूँ सुबह उठते ही आप लोगों ने जी दो बॉइल अंडे अच्छा या दो फुल अंडों का ऑमलेट ओके देसी घी ठीक है देसी घी के, के अंदर या कोकोनट ऑयल कोकोनट ऑयल के अंदर या देसी घी के अंदर ओके सिर्फ कोकोनट ऑयल और देसी घी यही दो घीमाल इसके अलावा कोई भी आप लोगों ने ऑयल या घी इस्तेमाल नहीं करना ठीक है और, और अगर बॉयल करने है तो वो होल एग ही खाए या सिर्फ वाइट खा ले होल एग ही होगा क्योंकि हम लोग ये होता है डाइट कर रहे हैं तो सिर्फ वाइट खानी है नहीं 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 होल एग ही होगा ठीक है और इसके ऊपर आप चेडर चीज अगर ऑमलेट है तो ऊपर ऊपर आप वो कर सकते हैं अगर आपने बॉईल खाना है तब भी आपने उसको साथ में इस्तेमाल करना है ठीक है और इसके बाद सात से आठ शामी कबाब सात से, से आठ ये पूरे दिन की लिमिट बता रही हूँ कि पूरे दिन में आपको इतने अलाउ हैं अच्छा सात से आठ शामी, शामी कबाब और ये किसी भी किसी भी टाइम खा सकते हैं ये किसी भी टाइम ओके चिकन के बीफ के मटन के कोई भी हो सकते okay. हैं कोई मसला नहीं है ये भी जैसे घी में या कोकोनट ऑयल में ही फ्राई फ्राई होंगे ठीक है और इसके अलावा जो है आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करें तो जो है आपने जो जड़ वाली सब्जी होती है ना जैसे आलू शकरगंदी ये चीजें नहीं खानी अच्छा जड़ वाली सब्जी आपने नहीं खानी सिर्फ इसके अंदर सब्जी अलाव होती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल hmm. पत्ते वाले साग और पालक यही दो बचती हैं ठीक है इसके अलावा कोई सब्जी अलाव नहीं है अगर आप कोई और खाओगे आप कीटों से बाहर आ जाओगे अच्छा Normal diets, ऐसी नहीं होती हम बीच में अपने plans change भी कर लेते हैं।, ले 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 हैं। लेकिन कीटो का एक नहीं है कि, अब मैं घर जाऊँ तो मैं जाते बोलो भाई मैंने तो आज कीटो स्टार्ट करी तो आज से कीटो टाइट स्टार्ट कर दू ऐसा नहीं है आपको कीटो में आने के लिए एक वीक लगता है ठीक है वो बिगनर्स की डाइट होती है वो भी आपको थोड़ा बताऊंगी उसके बाद जो है फ्रूट्स की अगर बात करें तो फ्रूट कोई अलाउ नहीं होता दो फ्रूट्स के अलावा स्ट्रॉबेरी okay. okay. और एवोकाडो uh, ठीक है ये दो ही खा ये सकते ये दो ही अलावा, इस के तो के अलाव इसके अलावा कोई फ्रूट अलाउ नहीं होता अब देखिए कि uh, सब्जियों में भी आप साग और पालक खा सकते हैं और फ्रूट स्ट्रॉबेरी और एवोकाडो खा सकते हैं और एवोकाडो थोड़ा एक्सपेंसिव है ये हर की पौच में नहीं है और स्ट्रॉबेरी हर सीजन में नहीं होती तो अब यहाँ पे क्या करें इसकी जगह पे तीन खीरे तीन खीरे खा ले तीन खीरे ठीक है और तीन खीरे हो गए आप अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगती अच्छा, है अच्छा ठीक है ठीक है और इसके इसमें टोटल अब आपने क्या है चावल नहीं खाने रोटी नहीं रोटी, रोटी नहीं खानी आलू नहीं खाने मीठा नहीं खाना फास्ट फूड नहीं खाना

लाइट ही रखे ताकि देसी घी में या कोकोनट ऑयल में बना के वो खाना है okay. इसके अलावा आपको चरगा अलाव है आपको बारबिक्यू अलाव okay, खा से बना हुआ होगा ना तो घर आके एक दफा ब्रश के साथ देसी घी ऊपर लगा okay, एक दफा ठीक okay. है इसके अंदर क्योंकि हमने फैट कंटेंट ज़्यादा करना होता है तो इसके अलावा सीड्स हैं इसमें भी आप हेल्दी सोर्स फैट का इस्तेमाल कर सकते हो तो जैसे आपने सुबह का ऑमलेट बनाया है ना तो उसके ऊपर सीड स्प्रिंकल कर, कर लें ले हाँ। जब आपने हमने शामी कबाब बनाने उसके अंदर सीड्स डाल लें अगर, अगर मेकिंग के दौरान अगर मेकिंग के दौरान नहीं आपने डाले याद भूल गया तो शामी कबाब के ऊपर प्रिंकल कर लेंगे जब आप अपना सालन बनाएंगे तो डेफिनेटली प्याज नहीं होगा टमा हो तो वो टेस्टलेस बनेगा तो आप उसके बिना नहीं रह सकते यहाँ पे टोटल स्टिक होना पड़ता है ना ठीक है अब कितनी देर करनी पड़ती है ये मैं आपको बताती हूँ अगर कोई बंदा रोटी के बगैर उसका गुजारा नहीं है तो एक रोटी लेनी अच्छा, है तो फिर आप हेलमेट का ठीक है बादाम का आटा अच्छा फ्लोर होता है कोकोनट फ्लोर होता है

Hmm. चाय कॉफी हाँ वो आप बुलेट प्रूफ और बुलेट प्रूफ कॉफी का इस्तेमाल इसके अंदर होगा बुलेट प्रूफ चाय बनेगी वो ये होगा कि आपने जो दूध वाली आपकी चाय है विदाउट शुगर एक चम्मच कोकोनट ऑयल ओके okay. और ये आपकी बुलेट चाय है और अगर बुलेट प्रूफ कॉफी है okay. प्रूफ आपकी ब्लैक कॉफी है आप एक चम्मच कोकोनट ऑयल कोकोनट ऑयल डालेंगे या दोनों कोकोनट एक एक ऑयल का हो या ब्लैक टी हो या दूध वाली भी हो तो कोकोनट ऑयल का एक चम्मच चमच okay. डाले या आपकी जो है ना बुलेट प्रूफ चाय और कॉफी बन जाएगी ये आप दिन में दो से तीन दफा ले सकते हो और ये जो कीटो डाइट आपने पूरी प्लान हमें बताया ये कितने दिन करना है ये कितने दिन करना है ये देखो मैंने आपको पहले कहा कि कीटो डाइट

अच्छा अब वही तो सवाल है लोग सवाल ये कर रहे होंगे कि अब कितने दिन में हमारा कितना वेट लूज हो जाएगा ये ये डाइट आप भी इतनी दफा क्वेश्चन पूछ ले मैं इसकी तरफ इसलिए नहीं आ रही कि मैं पहले कुछ चीजें इससे पहले क्लियर करना चाह रही हूँ अगर मैं यही चीजें बता दूंगी ना तो लोगों ने ये डाइट प्लान सुनने के बाद टीवी रिमोट बंद करने में जाके जाएंगे लेकिन अभी उनके उनको तजस हो रहा है ना कि कितने दिन तक हम ये करें ताकि हमारा वेट लूज इतनी जल्दी हो जाए देखिए कीटो डाइट में आने के लिए आपको एक हफ्ता लगता है एक हफ्ते में आपने कार्बोहाइड्रेट को एलिमिनेट नहीं करना

थाउजेंड परसेंट डैम श्योर मैं लिख के देने को ये चीज तैयार हूँ में डाइटेशन की जितना वेट कम करेंगे वो वापिस आएगा वो बाउंस बैक करेगा वो बाउंस बैक करेगा आप तीस किलो कर लो आप चालीस किलो कर लो आप पचास किलो कर लो क्योंकि बाद में आपके आप आपसे ये डाइट कंटिन्यू होगी नहीं आप exactly. दोबारा से खाना शुरू करेंगे और वो, वो जो वेट आपने लूज किया है ना वो, वो वापस आएगा वो भी वापस और डबल आएगा, और भी आएगा।, <laughs> आएगा और भी आएगा और फिर ना कीटो इफेक्ट करेगी ना, कोई और डाइट इफेक्ट करेगी और आपका जो रिपोर्ट होंगे ना मेडिकल रिपोर्ट वो सारी ऊपर को आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होगा इसके अंदर हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा हो, okay, होते हैं ठीक है और बहुत जा... मतलब हमने आपको गेलियर... बता दिया ये, ये आप करनी है तो आप इस प्लान के थ्रू कर सकते हैं लेकिन हो सकती है अगर आप ये कर लेते हो उसके बाद छोड़ते हो तो फिर क्या हो सकता है और अगर आप किसी कंसल्ट के साथ इस चीज को नहीं स्टार्ट करते हैं तो फिर तो और भी ज्यादा हो सकते बिल्कुल डेथ भी देथ हुई थी हुई और अगर कोई कीडोडाइड यूज कर रहा होता है मैं अक्सर लोगों को कह, आ, कह रही होती हूँ कि भाई जो हमारी एक्ट्रेसेज हैं या जो इंडियन एक्ट्रेसेज हैं वो साथ में लाखों के सप्लीमेंट भी यूज कर रही हैं

छुटकारा मिलेगा आपकी वेट भी लूज होगा वो ये है कि कि आपको थोड़ा सबर के साथ चलना पड़ेगा कि आप महीने में पाँच छ किलो इजीली कम कर लेते हो मोर देन आप सेवन टू एट के भी कर लेते हो वो भी वेट ये भी एक बात याद रखें जो बंदा जितनी जल्दी वेट कम करता है उतनी जल्दी उसका वेट रिवर्स भी होता है और दोबारा गेन भी होता है अच्छा है? ये साइंस आज तक नहीं, आ, समझ समझ नहीं है वो इसलिए नहीं है, समझ आई इस, इसके पीछे साइंस ये है कि जब तो आप कार्बोहाइड्रेट एलिमिनेट कर देते हो हाँ। ये आपका स्टेपल फूड है ठीक है, है। रोटी चावल आपने नहीं खाने नहीं जब आप वो दो महीने आपने पूरी बॉडी को एनर्जी नहीं दे रहे हो वो कहीं और से एनर्जी ले रही है तो जब आप इतने देर के बाद वो दोबारा खाएंगे तो वो एक बाइट की जगह दो होके लगेगी आपको जो लोग कहते हैं ना कि हम तो इतना सा है की जनाब आपने एक अच्छी खासी डाइट की होती है और आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है या आपका मैकेनिज्म होता है वो उसका आदि हो जाता है और जब आप दोबारा से खाना शुरू करते हैं तो फिर वो कहता है वाजी वाह अब तो मेरी मौजी होगी अब इद होगी तो मैं दोबारा से अच्छे तरीके

वेलकम बैक टू जागुलहोर और जनाब अब कुछ आगे बढ़ते हैं और इलेक्शंस के हवाले से बात कर लेते हैं क्योंकि इलेक्शंस की बाज गज हर तरफ ही हमें सुनाई दे रही है और सब ने अपने कागजात नामज़दगी जो है वो जमा करा लिए हैं तो जनाब किस किस ने जमा करा लिए हैं और कब तक फहरिस्तें जारी की जाएंगी और इस वक्त क्या सूरत हाल है इलेक्शंस की और तमाम तर जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्होंने कब से अपनी प्लानिंग की है कि अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है वो स्टार्ट की जाएगी तो इस पर बात करने के लिए नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ वजाहिद आविद मौजूद

और जो दफातर है मुसलका मतलब वहाँ पर अब सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है अब दूसरा मरला जैसी इस वक्त तो कागजात नामजदगी जमा होने के बाद अब कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल का अमल जारी है मुख्तल रिटर्निंग ऑफिस में और सुबाई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में लाहौर शहर में भी इसी तरह की सरगर्मी देखी जा रही है हर रिटर्निंग ऑफिस में और सुबाई इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है वहाँ पर भी कागजात नामजदगी का जाँच पड़ताल का सिलसिला जारी है खवन की मखसूस नशस्तों के लिए गुजशतर रोज सक्रूटनी होती रही जिसमें पा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो खवीन जिन्होंने कागजत नामजदगी जमा करवाए हैं उनकी स्क्रूटनी की गई और आज जमात इस्लामी और दूसरे पी एल पी की खातन जो उनके कागजत नामजदगी तो दप... की की कागजात नाम की, की गई है तो उसमें हमें बता सकते हैं अपडेट्स हैं आपके पास के कौन कौन से प्रमिनेंट नाम उसमें मौजूद है अच्छा जी बिल्कुल गुजश्ता रोज जो हमने यहाँ पर देखा उसमें पार्टी की नार यहाँ पर थी उनके कागजत नामजदी टूटने का अमल मुकम्मल किया गया जबकि मुस्लिम लीग उनकी शाइा परवेज मलिक उजमा मज़, उजमाजाद बुखारी और शाइस्त शाइ पर परवेज जो हैं उनके कागजात नामजदगी का भी जायजा लिया गया और अब तक लाहौर में कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं है जिसके कागजात हाल मुस्तरद हुए हैं लेकिन इस वक्त जो कागजात नामजदगी दाखिल कराए गए हैं उसमें बाज रिक्ड ऐसे हैं जो की एफ बी आर और रेवन्यू ऑफिस और उनके दफातर को भी भेजे गए हैं ताकि वहाँ से भी जाँच पड़ताल हो सके और जो दीगर सियासी बड़ी शख्सियात हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून के मुस्लिम लीग कायद मिया नवाज शरीफ मरियम नवाज और सबक चेयरमैन पी टी आई उनके कागजात नामजदगी का तो जाँच पड़ताल का अमल भी जारी है और सबक चेयरमैन पी टी आई के आज कागजात नामजदगी कीूटनी होनी है जबकि बिलावल भट्टो के कागजात नामजदगी लाहौर में वो एक हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं जिसका जायजा लिया जा रहा है तहम उन पर एक एतराज आया जिसका कल जायजा लिया जाएगा तहम मजमूई तौर तो पर इन तक किसी भी उम्मीदवार के कागजात मुस्रद होने की इतला नहीं है तमाम हतमी सर इस तीस दिसंबर के बाद जारी की जाएगी और जिसके बाद इंतबी निशाना तला किए जाएंगे अच्छा ज़ाहिर साहब जो बल्ले के निशान के हवाले से भी काफ़ी गहमा गहमी चल रही थी और उसके ऊपर भी बातचीत हो रही थी अब वो दोबारा से उन्हें बल्ले का निशान वापस मिल गया इस हवाले से अपडेट्स हैं आपके पास जी बिल्कुल वो जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसे पिशावर हाईकोर्ट की जानव से मुतल किया गया है और पी टी आई को भी उसका बल्ले का निशान ताहाल मिल चुका है अगर अब दोबारा इस पर भी दरख्वात दायर नहीं होती किसी और मजदीद आलात में तो बल्ले का निशान पाकिस्तान तरीके पास जाएगा और उस जो जब हत इनको निशाना तलाट किए जाएंगे जो कहा जाएगा जनवरी के शेड्यूल के मुताबिक तमाम कैंडिडेट्स को उनकी जमातों के और आजाद उम्मीदवार हैं उनको भी इंतबी निशान अलाट किएंगे तो इनको भी बल्ले का निशान अलाट होगा और इनके लिए पी टी आई के लिए जो एक खतरा नजर आ रहा था वो अब कम अज कम ठीक के के है और हमें अपडेट कर रहे थे क्योंकि कागजात नामजद जमा कराने के हवाले से जो पहला मरहला था वो मुकम्मल हो चुका है अब दूसरा मरला उसका आगाज हो चुका है जिसमे स्क्रूटनी की जाएगी जितने भी कागजात नामजदगी है जिस जिसने अपने कागजात जमा कराए हैं पड़ताल होगी और देखा जाएगा कि किस में कोई ऐसा फ्लॉ नज़र आए या कोई ऐसी चीज़ नज़र आए फिर उन्हें मुस्रद किया जाएगा तो इसकी फहरिस्तें भी जल्द हमें नज़र आएँगी और पता चलेगा कि किसके एक्सेप्ट हुए हैं और किसके जो है ना वो मुस्तरद हुए हैं कागजात नामजद की तो ये कुछ अहवाल था सियासत के हवाले से इलेक्शन के हवाले से भी आगे बढ़ते हैं और कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट में तो उनकी तरफ चलते हैं और आज वो कौन सी किताब के साथ हमारा और आपका तारफ़ करवा रहे हैं वो सुन लेते हैं जी साहब बताइए शुक्रिया मुनीबा आज हमारे पास बहुत दिलचस्प किताब है और वो है याद इकबाल याद इकबाल इसको बुक होम ने शाया़ किया और जमील अतर काजी साहब ने इसको इसकी तदवीन की है यानी इसका उसको आप समझ लें तालीफ की बल्कि ये कहना चाहिए कंपाइल किया है वो ये कहते हैं कि हफ्त रोज़ा वफाक लायलपुर से शाया होता था उसमें अलामा इकबाल पे बहुत से मजामीन शाया होते रहे वक्तन फ़वक्तन ये पुरानी बात है तो जो जमील साहब हैं इन्होंने उसमें से कुछ मजामी मंतखब किए हैं और इसको किताबी शक्ल में शाया़ किया है इकबाल के बारे में इफ्तार अहमद कुरैशी साहब लिखते हैं इकबाल पर एक अली अरफा मकाला लिखना कोई आसान काम नहीं क्योंकि साहिब मकाला को अरबी फ़ारसी और उर्दू तीनों जुबानों पर अबूर होना चाहिए उससे उस, उस दौर के तकाजों से कमा हक हु आगाह होना चाहिए जिस दौर में इकबाल मौजूद थे फिर उसे मकटैगट के दौर से कैम्ब्रिज की यात्रा करना होगी उसे जर्मन फ़िलासफ़र फिश्टे और हेगल के फ़लसफ़े का मताल करना होगा हेगल का फ़लसफ़ा कोई आसान नहीं है इट्स नॉट ईज़ी टू अंडरस्टैंड हीगल एंड कैंट ये दोनों आप जानते हैं कि जर्मन है एक तो जर्मन ज़ुबान का बहुत वसत है उसकी और उसमें बहुत गहराई है फिर बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं कांट के बारे में तो ये कहा जाता है कि आज तक कांट की किताबों को एक ही शख्स समझा है और वो उसका दोस्त है और वो भी गलत समझा है तो इसी तरह हीगल के बारे में ये है कि वो बहुत मुश्किल पसंद थे और बहुत मुश्किल ज़ुबान इस्तेमाल करते थे जाहिर है जब आपका ख़्याल बहुत बुलंद और अरफा आला हो और बिल्कुल नया हो तो ज़ुबान का दामन तंग हो जाता है जाबर अली सैद ने एक जगह पर लिखा हुआ है मैथ्यू रानल्ड के हवाले से कि उन्होंने एक शायर का हवाला दिया उन्होंने कहा कि लैंग्वेज सेंक अंडर हिम तो ये वाकई ऐसा होता है कि जब बहुत बड़ी कोई जीनियस आती है जो तख्लीकी काम करती है उसके नीचे ज़बान डूब जाती है ज़ुबान की ग्रामर उसका सेंटैक्स उसका सरफोनाफ़ सब कुछ और उसकी इवन वर्बियत जो होती है वो बड़ी कम पड़ जाती है तो यही इकबाल के यहाँ भी हमें ये बात बहुत ज़्यादा मिलती है बल्कि साहब तो ये भी कहते हैं कि जो ज़मीन पर मौजूद इमारतों में मस्जिद कुरतबा अपने ज़माने की उस वक़्त जो उसको तखसस हासिल था उर्दू नज़मों में बाल जबरील में मौजूद जो इकबाल की नज़म है मस्जिद कुरतबा उसको वही तखसस हासिल है यानी वही यूनिकनेस वही अछूतापन तो उन्होंने कहा कि इकबाल पर कलम उठाने से पहले ये सब कुछ करना होगा फिर उसे जैली अब्दुलकरीम अल जैली जिन्होंने फोकुल बशर का एक तस्वर दिया था और अरबो ईरान के उन सूफ़ी मुफ्करों के अफकार से आगाह होना होगा जिन्होंने इंसान कामिल का नज़रिया पेश किया यानी सुपरमैन जो नीचे नीचा उसका सुपरमैन है उस तक आ और इकबाल के मर्द मोमिन तक आने से पहले ये पीछे जो इस रिवायत में काम हो चुका है उसका भी पूरी तरह मुताल करना होगा और यकीन इकबाल पर ऐसा लिखने वाला जो शायराना मिजाज भी रखता हो और सबसे बड़ी बात है कि इकबाल मुफ़र फलसफ़ी के साथ साथ बहुत अजीम बल्कि उर्दू के अजीम तरीन शायर हैं तो आपको शायरी पर दस्तरस अगर ना हो आप शायर ना भी हों उसकी बुनियादें अगर ना जानते हों में बयान के बारे में इलम बदी के बारे में फसाहत व बलागत के बारे में आपको पूरी तरह अंदाज़ा ना हो और कलाम का हुस्न क्या होता है मसरा तर क्या होता है नज़म और गज़ल में फ़र्क क्या है कसीदा क्या चीज़ है कसीदे की रिवायत क्या है ये सब कुछ ना पता हो तो इकबाल पर कलम नहीं उठाना चाहिए तो उन्होंने कहा कि ऐसा बंदा ये सब चीज़ें ये तमाम ख़ूबियों का हामिल अभी तक पैदा नहीं हुआ ये है वो बात जिसकी वजह से मैंने आज इस किताब का इंतब किया वो यही है कि अगरचे इकबाल पे तब से लिखा जा रहा है तब जब इकबाल ज़िंदा थे लेकिन हकीकत ये है कि इतने अलूम पर बैक वक्त दस्तरस रखना और उसके रोशनी में इकबाल का मकाम वाज़ करना इकबाल का मकाम बताना कारीन को नाज़रीन को सामीन को ये कोई आसान काम नहीं है इकबाल एक, एक बहुत बड़ी शख्सियत थे बसर इसमें इसमें मज़ीद जो मजामी हैं वो बड़े ख़ासे की चीज़ है मिसाल के तौर पर एक बाल का तस्वुर तालीम मुझे याद है कि जब मैं फ़लसफे का आ, के एग्ज़ाम दे रहा था और फिलासफी ऑफ एजुकेशन मैंने रख लिया ये सब्जेक्ट सौ नंबरों का था मास्टर्स की बात है तो मुझे बड़ी आ, दिक्कत हुई कि अब मैं किन किन को पढूंगा? तो सबको पढ़ने के बाद फिर मेरे हाथ है कि इकबाल इक, इक के तस्वर तालीम पर मबनी एक किताब मिली तो ऐसे जैसे मछली को पानी में रख रख दिया गया हो इकबाल ने बहुत एक्सटेंसिव बातें की हैं अगरचि हमने स्पेंसर पे बर्गसा और विलियम डेवी और बहुत कुछ आ, इस तरह के जॉन डेवी इन सब का वो हम तस्वूर तलीम जानते हैं लेकिन इकबाल ने जो बातें की हैं वो बड़ी आफाक़ी हैं अच्छा इसमें दिलचस्प बात है कि उस ज़माने में डॉक्टर वज़ी आग़ा जिस जिनको कि अब हम सब जानते हैं कि वो कहा ये जाता है कि जब वो जिंदा थे तो उन जैसे पढ़े लिखे आदमी पाकिस्तान में बहुत ही कम थे बाद लोग तो ये भी कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी थे वो उस दौर में अपने साथ पी एम ए पी एच डी भी लिखा करते थे उनकी एक ए, एक यहाँ पर तहरीर है इकबाल की फितरत परस्ती फिर एक मजमून है इकबाल और भरत्री हरी ये वही भरत हरी हैं राजा भरत हरी जिनके एक शेर को यानी वो जो हिंदी में जो उनका ख्याल है या शेर है उसको इकबाल ने नजम किया है फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर मरद नादा पर कलामे नरमो नाजुक बेअसर लोग समझते हैं एक बाल का शेर है इकबाल का शेर ये नहीं है ये राजा भरतरी हरी का ख़्याल इकबाल ने सिर्फ इसको न मंजूम शक्ल में हमारे सामने पेश किया तो ये राना एम एहसान इलाही इन्होंने इकबाल और भरतरी हरी पर लिखा इसके अलावा जो बहुत ही खूबसूरत मजमून है जिसको कहना चाहिए कि आई गॉट सवेड विद डैट वो था इकबाल और मजद्द अल्फसानी रामतुल्ल है इकबाल ने मुजद साहब का जो आ, बहुत गहराई से मुाल कर रखा था वो समझ में आती है बात क्योंकि मुजदलफ़सानी ने बरे सगीर की दानिश में जो रिपल्स पैदा किए जो 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 लहरें पैदा किं उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता उन्होंने दीने इलाही के सामने खड़े होकर सीना सिपर होकर जिस तरह जहाद किया और जिस तरीके से उन्होंने वादतल और वाजतुलशहद वादत का वादर वजूद का ख़ासौर पर तनकीद की और वालूद के साथ सामने आए इसको समझना इसको अंडरस्टैंड करना इसको अम्बाइब करना और उसके बाद बयान करना ये हर किसी का काम नहीं हो सकता हाज़र हुआ मैं शाख मुजद की लहत पर वो खाक के है ज़ेर फलक मतला अनवार गर्दन न झुकी जिसकी जहंगीर के आगे कैसा अच्छा क्या आलिशान है अल्लाह ने वो हिंद में सरमाया मिलत का निगेमा अल्लाह ने बरवक्त किया जिसको ख़बरदार तो हज़रत मजदद के साथ तो इकबाल का ख़ास एक लगाव था हज़रत ल्मा ने नक्शबंद सिलसिले में अपने आप को बैद कर रखा था लेकिन चिश्तिया के साथ उनका ख़ास एक रुझान भी था और चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब के ज़रिए से वो नक्शबंद सिलसले के साथ वास्तस् थे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बातें की जा सकती हैंकबाल पर जो आज इकबालियात में मास्टर्स एम फिल पी एच डी कर रहे हैं या फ़लसफे में कर रहे हैं या फैट मैटर शायरी में कर रहे हैं उनके लिए किताब बहुत ही अला है जमील अतरकारी साहब ने काजी साहब ने बहुत उमदा काम किया है बुक होम की ये शाया करता जनाब इकबालियात के हवाले से लामा इकबाल के हवाले से ये किताब बहुत ही खूबसूरत किताब है जिसका तारफ़ अहमद अमान साहब ने हमारे साथ किया है तो अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको ख़रीद सकते हैं और जो इनके पब्लिशर हैं उनके हवाले से भी अहमद साहब ने हमें बता दिया अहमद साहब आज के लिए आपका बेहद शुक्रिया अब आगे बढ़ते हैं कुछ एक्सरसाइज़ के हवाले से बात कर लेते हैं जुहेब है बुखारी फ़िटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं तो आज वो कौन सी एक्सरसाइज़ हमें करना सिखाएंगे आइए उन्हीं की तरफ चलते हैं गुम गाए जिस बुखारी आई एम सर्टी सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर और आज मेरे साथ हैं मिशा जो मुझे एक्सरसाइज में असिस्ट करेंगी और आज का हमारा जो टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक ऐसा है कि जिसके बारे में लोग ज़्यादातर इसको वैल्यू नहीं देते जिम में जो कि वार्म अप और कूल डाउन लोग क्या करते हैं आते हैं एक्सरसाइज करते हैं और कोशिश करते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें और जाते हुए भी जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है तो सीधा जिम से बाहर चले जाते हैं जबकि एक्सरसाइज़ से पहले वार्म अप प्रॉपरली और बाद में कूल cool डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है उस वो क्यों इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें मैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और कौन कौन सी एक्सरसाइज वार्म अप और कूल cool डाउन में हम इस्तेमाल करते हैं यूज़ करेंगे या करते हैं वो मैं आपको बताएंगे ओके okay, सबसे पहले तो वार्म अप क्यों किया जाता है वार्म का सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि हम अपनी बॉडी को एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे हैं एक्सरसाइज के लिए हमारी जब नॉर्मल रूटीन में बॉडी अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करा मैं खड़ा हूँ स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ तो हमारा ब्लड फ़्लो हमारा जो बॉडी का सारा सिस्टम है जो कंट्रोल है ब्लड फ़्लो सारा हमारा ऑर्गन्स की तरफ होता है ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं उनकी तरफ होता है लेकिन जब हम एक्सरसाइज करनी होती है तो हमारे मसल्स को ब्लड फ्लो चाहिए ऑक्सीजन चाहिए और बहुत से डिफरेंट न्यूट्रिशंस चाहिए तो हमने करना क्या होता है कि अपने ब्लड फ़्लो को डाइवर्ट करना है चेंज करना है जिसके लिए हमने अपने ऑर्गन्स की तरफ जो हमारे ब्लड फ्लो है उसको चेंज करके मसल की तरफ ले करना ताकि हम ज़्यादा देर तक ईजीली एक्सरसाइज कर सकें तो उसके लिए करना क्या है जस्ट वार्म अप करेंगे हल्का फुल्का सा और उसमें हम क्या क्या हम करते हैं उसमें हम जंपिंग जैक्स करते हैं हाई नीज कर सकते हैं जो कि okay, मुशाइम में थोड़े से करेंगे मुशायम जंपिंग जैक्स करके दिखाएं टेन सेकेंड के लिए वन टू थ्री को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एन ओके नेक्स्ट साइड जंप मुशाइम्स साइड जम्प्स ये वेरी गुड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ओके ये तो चंद एक्सरसाइज थी जो हम वार्म अप यूज़ करते हैं उसका वार्मअप का जस्ट फायदा ये नहीं है कि हम अपने ब्लड सर्कुलेशन को मसल की तरफ करें और मसल को प्रिपेयर करें एक्सरसाइज के लिए बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि आपकी बॉडी इंजरी से बच जाती है अगर आप प्रॉपरली अप किए और ख़ास तौर पर जब विंटर्स हों विंटर्स में आपने कोशिश करनी है कि आपका वार्म अप एटलीस्ट फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स का जस्ट वार्म अप होना चाहिए इतनी देर में लोग एक्सरसाइज करके निकल जाते हैं लेकिन विंटर्स में कोशिश करें आपका वार्म अप एटलीस्ट फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स का हो और समर में अगर टेन फिफ्टीन मिनट्स भी करें तो गुड इट्स गुड इनफ और इसके बाद हम चलेंगे कूल cool डाउन की तरफ जैसे आपको पहले बताया था कि हम हमारे नॉर्मल पोजिशन में क्या होता है कि हमारे बॉडी का ब्लड फ्लो सारा ऑर्गेन तरफ सार होता है लेकिन वार्म अप करके हम ब्लड फ्लो को मसल्स की तरफ करते हैं लेकिन अब हमने क्या करना है दोबारा बॉडी को नॉर्मलाइज़ करना है अपने मसल्स की तरफ जो हमारे ब्लड फ्लो वापस को ऑर्गेंस की तरफ लेके आना है तो अब क्या करना है उसके लिए अपने बिकॉज पहले हम एक्सरसाइज करते हैं हाई इंटेंसिटी भी गए होते हैं ब्लड फ्लो हमारा अप हुआ होता है और हार्ट बीट हमारी अप हुई होती है इसको हमने नॉर्मलाइज़ करना है उसके लिए हम स्लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करेंगे मूवमेंट्स करेंगे जो कि स्ट्रेचिंग भी होती है जो कि योगा भी हो सकती है तो मैं चाहूँगा कि मुशाइम एक हम में थोड़े से असिस्ट करें और योगा के कुछ पोजिस्स शेयर करें हमारे साथ जिससे हम अपनी बॉडी को कूल डाउन कर सकें स्ट्रेच कर रही हैं फॉरवर्ड फॉर लॉर बैक एंड हैंड स्ट्रेंग ओके okay. ठीक तो ये थे हमारे कुछ स्ट्रेचिंग या कोल cool डाउन के डैमोज जिससे आप अपने बॉडी को नॉर्मलाइज करते हैं सबसे बड़ी बात जो एक इंपॉर्टेंट है जो अक्सर लोगों को कम कहते हैं कि जिम आने से पहले फोर्टी फाइव मिनट्स तक अपने पहले कर? بخاری हमारे साथ मौजूद है ज़ुहे बहुत शुक्रिया और इसी नोट पे मुझे इजाज़त दीजिए अपना ख्याल रखेगा अल्लाह हाफिज़